थ्री रजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज ऑब्टेंड फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, या कहें फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. क्या लिखा हो? सीरीज कॉम्बिनेशन. तो आपको थोड़ा सा इस तरह से बना के लिखना है, जब दो या दो से ज़्यादा एक साथ कनेक्ट हो और सेकेंड थोड़ा पढ़ लीजिएगा. मेन ये सीरीज का जैसे डायग्राम बनाया भाई, प्लस की तरफ से करंट जाता है और ये रेजिस्टेंस लगा है, फिर इधर गया आर टू बांध दिया या आर थ्री, फिर माइनस की तरफ फिट हो गया. लेकिन सब सीरीज में है, सब लाइन से है ना, बीच में करंट कहीं डिवाइड नहीं हुआ, दूसरा रास्ता करंट को नहीं मिला. ठीक, अब इसका डेरिवेशन होता कैसे है, ये डायग्राम आप बनाएंगे. डेरिवेशन की ट्रिक ये है, बस आप याद रखिए, जब सीरीज को प्रूव करना हो, V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगेगा. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? V इज इक्वल टू आई आर वाला. ठीक, तीन आपने रेजिस्टेंस लिए हैं, देखिए एक दो तीन. ठीक है, तो सबके लिए फॉर्मूला, V1 के लिए I1 R1, V2 के लिए I2 R2, V3 के लिए I3 R3. फिर यह जो V है, टोटल पोटेंशियल, V माने पोटेंशियल डिफरेंस, I माने करंट, R माने रेजिस्टेंस. ठीक, तो V तीनों V को ऐड कर दिया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3. इस V का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, याले फॉर्मूला का V1 का भी फॉर्मूला I1 R1, सॉरी I R1, V2 का भी I R2. करंट वही है, करंट तो एक ही है, इसलिए I1 I2 I3 करंट नहीं होगा, करंट एक ही है ना. क्लियर है? तो सब जगह आई 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 लिखा है, आई वन आई आई टू आई थ्री नहीं लिखा है. रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसलिए आर वन आर टू आर थ्री अलग अलग रेजिस्टेंस लिख दिया. अब देखिए इन तीनों में क्या करंट कॉमन है. ठीक, तो वो कॉमन ले लिया, बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. अब ये करंट से ये करंट कट गया, क्योंकि ठीक है आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बचा. ठीक, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज प्रूव हो गया. रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैसे होगा, इसके लिए देखिए क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है. Yeah. इस तरह से आ सकता है कि डिस्कस एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मेनी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, या आर वन आर टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इस तरह से लिखा होगा. कहेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन बनाओ, या इस तरह से कह सकते हैं थ्री रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं. तो आपको इसकी ट्रिक भी बता रहे हैं, याद रखना है. पहले तो इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, देखिए इसमें वी यहाँ पर लगाएंगे, पोटेंशियल वी. ठीक है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस. प्लस से करंट गया, इधर जा रहा है, इधर गया, यहाँ से सीधा सीरीज होता तो यूँ आ जाता, लेकिन यहाँ से इसको तीन रास्ते मिले करंट को, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया. इधर वाले करंट में एक रेजिस्टेंस आर वन जोड़ा, फिर यहाँ से आ गया इधर, फिर याले करंट में एक आर टू रेजिस्टेंस जोड़ा, यहाँ से आके करंट इधर भी वापस आ गया, फिर यहाँ से इसको आर थ्री एक रेजिस्टेंस मिला यहाँ. ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक है, पहले आपने ये डायग्राम बना लिया, तीन रेजिस्टेंस मिल गया, यानी आर वन आर टू आर थ्री भी चेंज हो रहा, आई वन आई टू आई थ्री भी चेंज हो रहा, यानी कि दोनों चीज़ें चेंज दिख रही हैं. क्या चेंज नहीं हो रहा? वी. ठीक है, इसके लिए क्या देखिए ट्रिक क्या है, इसमें I बराबर V अपॉन R का फॉर्मूला लगना है. क्या लगना है? I बराबर V अपॉन रखा था, V बराबर आई आर रखा, V1 यहाँ पे I V अपॉन R अपॉन R2 में, और टोटल I1 प्लस R2 प्लस R3 लिया, I3 लिया, I बराबर I1 बराबर V अपॉन R1, I3 बराबर V अपॉन R3, तीनों में V कॉमन ले लिया, क्या V कॉमन ले लिया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, तीनों में V कॉमन ले लिया, वन प्लस वन अपॉन आर थ्री. ओके, और इधर का टोटल है ना, V से V आपके पास R बराबर आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री. अगर आप इसको वो भी भाई है वरना कि तीनों का एलसीएम लिया, फिर इसको अपॉन आर से ये आर बन गया, आर थ्री अपॉन डॉट वन मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो आप याला भी फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान नीचे वाला, और ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है. ठीक है, सिस्टम यूआई. ओके, समझ में आ गया दोनों में फ़र्क? इतना हैंग कर रहा है मोबाइल के क्या ही करें.